हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम कवर करते हैं अपनी वोकेबलरी, 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, द हिंदू वोकेबलरी और प्रीवियस ईयर में आई हुई कुछ वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का वर्ड, दैट इज़ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक्स अलॉट, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि क्लास में कोई बच्चा पीछे बैठ जाता है, पढ़ता नहीं है, केवल बातें ही बातें करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं, एक idiom है ये, दैट इज़ चैटर बॉक्स। चलिए, आज कल हम 50 तक कर चुके थे कवर, आज हम लेते हैं वर्ड नंबर 51। इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, ढोंग करता हो, पाखंड करता हो, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, और किस लिए? लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये काम करता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे वॉट ही ऑज, दिवालिया। जैसे कि बैंक्रप्ट होते हैं, उनके पास क्या होता है, पैसा नहीं होता, पैसा ख़त्म हो जाता है, और क्या करते हैं वो लोग अब पैसे को रिटर्न नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसा व्यक्ति जिसके पास, जिसने कभी कर्ज लिया हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अब वो उस डेब्ट को वापस करने के काबिल नहीं रहा, सो दैट इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट। देखते हैं वर्ड नंबर 53। वर्ड नंबर 53, इटिनरी। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट द प्लेसेस दैट यू विजिट। यात्रा का ऐसा कार्यक्रम, जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हैं और उसका आप पहले से ही प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इटिनरी। मोनार्की। मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सारी क्या होती हैं, एक फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की। मोनार्की के अंदर कैसा सिस्टम होता है, जो जहाँ पर राजा, जो राजा लोग होते हैं वो रूल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की, ठीक है। जो राजा पहले के ज़माने में, जब महाभारत रामायण काल हुआ करता था, उस टाइम पे जैसे राजा रूल किया करते थे, राजतंत्र हिंदी में हम इसको बोलेंगे। ओबिचुरी का मतलब होता है शोक संदेश। शोक संदेश जैसे कि अब किसी की डेथ हो जाती है और उसका पता आपको चलता है किसी लेटर के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड ओबिचुरी। ओरिंथोलॉजी बहुत ही इजी वर्ड है, 56। ओरिंथोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी, लेकिन स्टडी किस चीज़ की, बर्ड्स की, जैसे कि पीजन है, क्रो है, पैरट है, इन सब के बहुत टाइप के बर्ड्स होते हैं, इन सब के बारे में हम ओरिंथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पक्षी विज्ञान। चलिए वर्ड नंबर 57, दैट इज़ प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब भी क्या होता है, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, सबके अंदर क्या लगा हुआ, क्रेसी। क्रेसी जब भी लगा हुआ आ जाएगा कहीं, तो आप समझ जाएंगे किसी सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे डेमोक्रेसी होता है सेम। तो प्लूटोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर अमीर यानी कि रिच पीपल जो होते हैं वो उसको रूल करते हैं, वही उसको चलाते हैं, यानी कि धनिक तंत्र हिंदी में बोल सकते हैं, दैट इज़ प्लूटोक्रेसी। चलिए वर्ड नंबर 58, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है अ पर्सन हु नोज मल्टीपल लैंग्वेज, बहुभाषी हिंदी में हम बोलेंगे इसको। बहुभाषी से अपना आपका क्या मतलब है, जैसे कि वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, जैसे वो हिंदी भी बोल सकता है, वो इंग्लिश भी बोल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं बोलने के अंदर वो सक्षम रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्ड नंबर 58। चलते हैं 59 की तरफ, दैट इज़ सिनक्योर। सिनक्योर होती है एक ऐसी जॉब जिसके अंदर आपको जो वर्क होता है वो बहुत कम करना होता है, लेकिन उसके अंदर आपको क्या, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिनक्योर। वर्ड नंबर 59 बहुत अच्छा है, जब आप सीजीएल क्लियर कर लेंगे तो आपको एक जॉब मिलेगी, वो कैसी होगी, सिनक्योर। वर्ड नंबर 60, एमनेस्टी। एमनेस्टी होती है क्षमा, क्षमादान, राज क्षमा, जैसे कि किसी ने कोई क्राइम किया है और वो जेल के अंदर बंद है, आजकल हम प्रेसिडेंट को लेटर लिख के भेजते हैं, एमनेस्टी ऑफ लेटर, तो उसी को हम बोलते हैं दया याचिका, तो इसको राज क्षमा बोलेंगे हम, कि उसको उसके क्राइम जो उसने किया है उसको माफ़ कर दिया गया, ठीक है। अब 60 तक कवर कर लिया, 60 के बाद 61 एक्वेटिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया हिमांशु अग्रवाल ने, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अ पावरफुल वोकैबुलरी, थैंक यू हिमांशु, ही वाज स्टूडेंट ऑफ माइन इन ऑफलाइन क्लासेस एज वेल, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, और मिलते हैं अब आपसे, टेक केयर।